بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين ما بعد औधबिनतरीम बसमीम वक़ालत आलाफिक वबीद रबली सदरी वमरी मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ इस सीरियल में हमारा मौजू आज का है तालिबे इल्म के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए हमने पिछली सीरियल में पांच खूबियां देखी आज हम और पांच खूबियां देखेंगे इनशा सबसे पहली खूबी जो हमने पिछली सीरियल में देखी वो ये है कि नीयत सही होनी चाहिए अगर नीयत ही सही नहीं तो चाहे दसों चीजें हो जाए चाहे बाकी कई चीजें हो जाए कोई फायदा नहीं क्योंकि अमाल का दारो मदार ही नीयत पर होता है तो हमारी नीयत खालिस्ल के लिए हम करें सिर्फ अल्लाह रबालमीन को राजी करना हमारा मकसद हो नंबर दो सिर्फ अच्छी नीयत से काम नहीं बनने वाला आज बहुत सारे लोग अच्छी नीयत के साथ है लेकिन कुछ करते ही नहीं उससे आगे तो उससे आगे बढ़कर जिंदगी में टाइम निकालना होगा कनात लाना होगा कंटेंटमेंट लाना होगा और जिंदगी में से मौका निकालें कि हम अल्लाह के दिन करें। तीसरी चीज मौका निकालने से भी काम नहीं बनेगा एफर्ट करना होगा मौके तो बहुत है कई लोगों के पास जिंदगी में टाइम है उनके पास निकला हुआ है नीयत भी अच्छी लेकिन कुछ करते ही नहीं उससे आगे तो बात जरूरी है कि हम लोग इसके अंदर सही नीयत के साथ और जिंदगी में मौके के साथ एफर्ट भी करें कोशिश भी करें लेकिन सिर्फ कोशिश करके भी काम नहीं बनेगा जब तक सही तरीके पे ना रहे सही जगह से इल्म हासिल ना करें तो सही नीयत सही मौका सही कोशिश के बाद सही जगह से इल्म हासिल करना और पांचवा पॉइंट जो हमने पिछली बार देखा कि उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाना लेकिन जितना है उतना अपनी तरफ से इजाफा नहीं करना हदीस पे फिर एक बार गौर करें नबी अलैहि वसल्लम ने कहा बल्ले गो अन्नी वलो आया पहुंचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो अपनी तरफ से मत पहुंचाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुंचाना सही बुखारी की हदीस ये जिलचारंबर सिक्स सिक्स सेवन का पहला हिस्सा तो हम ये देख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया मेरी तरफ से पहुंचाओ हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पहुंचाना यही कामयाबी हम सबके लिए तो ये रिविजन के बाद आइए हम अब आगे बढ़ते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं इल्म हासिल करना जरूरी है जहात बुरी चीज है नीयत सही होती है उनकी जिंदगी में मौका निकालते हैं एफर्ट भी करते हैं सही जगह से इल्म भी हासिल करते हैं और पहुंचाते भी है लेकिन छठे पॉइंट में फेल हो जाते हैं ये छठा पॉइंट क्या है ये छठा पॉइंट ये है कि वो इल्म हासिल करने में एक अहम कायदे को भूल जाते हैं और वो है तदरुज दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ना यही कायदा अल्लाह ताला ने रखा है जो हमारे आस पास जो दुनिया है दुनिया में यही कायदा अल्लाह तला ने रखा है पेड़ कैसे निकलता है छोटा सा पौधा निकलता है फिर बढ़ते, बढ़ते 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 बड़ा होता है और मजबूत भी होता है और फिर जाके पेड़ बनता है डायरेक्टली फर्स्ट दिन जाके पेड़ बनाने जाएंगे तो नहीं बनने वाला कितना भी अच्छा खाना हमारे सामने क्यों ना आ जाए हम खाएंगे तो एक एक निवाला करके खाएंगे ऐसा नहीं होगा कि पूरा पूरा एक में रुपए करके खाए तो नहीं होने वाला है ये नहीं होता एक शख्स इरादा करे कि मुझे बहुत बड़े अच्छा पहलवान बनना है बॉडी बिल्डर बनना है और सन एक दिन सुबह से लेकर शाम तक जाके जिम में एक्सरसाइज करे तो क्या शाम में पहलवान बनने निकलेगा क्या करना होगा उसे हम कहेंगे देखो ऐसा करो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज शेड्यूल फिक्स करो और वो तुम फॉलो करो रेगुलर तो इल्म में भी तो यही मामला है सीजनल तौर पे इल्म हासिल करना कभी बस सोडा वाटर जोश आ गया कभी बहुत सारा फिर गायब है ये थोड़ी ऐसे थोड़ा इल्म हासिल होता है

हम आपके दिल को मजबूत बनाए वो रतल ना हो तरतीला और तरतील से हमने नाजिल किया ग्रेजुअली ये अल्लाह ताला का तरीका है बच्चा पैदा होता है डायरेक्टली माँ के पेट से पैदा होकर भाग रहा है उफ ऐसा थोड़ी होता है वो बच्चा पहले लेटा हुआ रहता है सोया हुआ रहता है आहिते आहिते रेंगने लगता है क्रॉल करने लगता है घुटनों पे आने लगता है चलने लगता है गिर गिर के प्रॉपरली चलने लगता है फिर भागने का स्टेज आएगा है ना यही मामला इल्म में भी है क्या हमें स्टार्ट करना होगा ग्रेजुअली ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा आगे बढ़ना होगा और यह बहुत जरूरी है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े एक स्टेप पे रुक गए कुछ लोग वहीं पे उनकी जिंदगी बसर हो रही है कुछ पॉइंट याद कर लिए वहीं पे वो लोग लौटा लो लो दोहराते रहेंगे दोहराते रहे आगे भी बढ़ो भाई दर्जा नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ो नेक्स्ट स्टेज उसके बाद के स्टेज पे आओ मालूम भी तो होना चाहिए ना कितने स्टेज है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम दर्जा बदर्जा आगे बढ़े और इसके ताल्लुक से बहुत जरूरी है कि ये चीज से हमारे इल्म में मजबूती भी आती है हम देखते हैं क्या है, वो कहते हैं वो कहते हैं कि मयुद्रकल इम जुमला तुल जुमला जो इल्म एक साथ में हासिल करता है ना उसका इल्म चले भी जाता है वो कहते हैं इल्म हदीस व वदीसानी इल्म तो एक हदीस दो हदीस ऐसे हासिल किया जाता तो मैं आप सबको उभार रहा हूं ये पॉइंट हमने क्या सीखा आपकी जिंदगी में एक रेगुलरिटी लाई सही बुखारी की हदीस है नबी वसल्लम ने कहा अहबुल्ला अहब उमाल माई माँ वही सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक वो है जिसमें हमेश की है चाहे वो अमल थोड़ा क्यों ना थोड़ा है लेकिन रेगुलर है बराबर किए जा रहे हैं उससे बरकत होती है, है कोई स्कूल कॉलेज में भी रेगुलर कोई एक्सरसाइज कर रहा है रेगुलर कोई कोई चीज कर रहा है उसमें दुनिया में कायदा अल्लाह ताला ने रखा है और यही चीज है इल्म हासिल करने में भी रेगुलर जीम बनाना तो मैं आप सबको बाहरता हूँ एक शेड्यूल बनाइए कि मैं डेली कुरान के इतने पेज पढ़ूंगा तफसीर के साथ इतनी सही हदीस की किताबों में से ये चीज पढ़ूंगा शराह के साथ और किताबों में से ये पढ़ूंगा अरबिक लैंग्वेज सीखने के तालुक से क्या प्लान है किस तरह से तजवीज सीख रहा हूँ किस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ किस तरह से मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ एक शेड्यूल बनाइए और उस पर स्टिक करिए ईमान बढ़ता भी घटता भी है लेकिन शेड्यूल बन गया ना और बन गया बोलना अब ये तो मेंटेन रहना ही रहना है इससे क्या होगा हमारे वो इल्म में स्ट्रेंथ आएगी और जो ग्रेजुअल ग्रेजुअल इल्म हासिल किया जाता है ना बहुत पक्का इल्म भी होता है एक साथ में जो चीज सीखते हैं वो एक साथ में कभी कभार खाली भी होने लगता है और ये इल्म ऐसा है कि जो रिविजन नहीं करेंगे ना तो हाथ से चले आएगा अल्लाह के रसूल की हदीस भी है इबली फी ताहदुल कुरान कुरान को रिवीजन करो नहीं तो ये जैसे ऊंट कुछ खुला छोड़ो तो कैसा होता है ना अभी है 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 गया खड़ा है अरे है उट तो है और फिर देखो तो गायब तो कुरान भी ऐसा ही लगता है, है मेरा है कुरान है रिविजन नहीं कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है है, है फिर गया, गया। गायब हो गया तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इसी तरह से बताया हमें सही बुखारी की हदीस से तो रिविजन करना रेगुलर शेड्यूल मेंटेन रखना ये जरूरी है सिर्फ अच्छी नीयत से काम नहीं बनने वाला सिर्फ टाइम निकालने से काम नहीं बनने वाला सिर्फ एफर्ट करने से काम नहीं बनने वाला सिर्फ सही उलमा से इल्म हासिल करने से बात नहीं बनने वाली सिर्फ पहुंचाने से बात नहीं बनने वाली साथ में सही शेड्यूल और तरतीब और रिज्यम भी होना बहुत जरूरी है अच्छी नीयतें और अच्छे प्रोसीजर चल रहे हैं लेकिन कुछ शेड्यूल ही नहीं है तो ये थोड़ी चलने वाला है ऐसा ऐसा थोड़ी इल्म हासिल हो जाएगा सिर्फ तमन्ना है तमन्ना है सिर्फ वेल्फ विश सिर्फ विशफुल थिंकिंग है ये पॉइंट छह पॉइंट हो गए हम सबके लिए सातवां पॉइंट सातवां पॉइंट यह है एक अहम कायदा है अल अहम फल मुहिम इंपॉर्टेंट फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर उससे कम फिर उससे कम इम्पोर्टेंस के अतबार से सबसे इंपॉर्टेंट मौजूद सबसे पहले आना चाहिए यह बहुत जरूरी है हम देखते हैं कि इमाम इब्न इब्न जौजी रही ने अपनी किताब तलबी से इबलीस तलबी में कहा है वो कहते हैं वालो इत्ता साल अगर जिंदगी इतनी बड़ी होती कि सब कुछ सीख सकते थे तो बहुत अच्छा होता जिंदगी तो छोटी है वो कहते हैं कि इसी वजह से ज्यादा अहम और ज्यादा फजीलत वाली क्या चीज है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी सब कुछ थोड़ी सीखनी जिंदगी इतनी बड़ी थोड़ी है कि सब कुछ सीखो वो कहते हैं इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले सीखना पड़ेगा फिर उससे बाद और हमें इस तालुक से उलमा में दुरूस भी मिलते हैं वो कहते हैं कि इन अवल दर्ज़ा तो समझदारी का सबसे पहला दर्जा ये है कि आदमी सबसे अहम चीज को सबसे पहले सीखे फिर उसके बाद फिर उसके बाद अब आप बताओ सबसे अहम टॉपिक हमारे दीन में क्या है सबसे अहम टॉपिक क्या है तोहहीद क्योंकि सबसे बड़ा गुना क्या है शिरक अल्लाह तला ने क्या कहा ला अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो सबसे बड़ा गुना शिरक सबसे अहम मौजू तो पहले तोहहीद का मौजू मालूम होना चाहिए अब कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ सीख लेते हैं फजाइल में लेकिन तोहिद पूछो नहीं मालूम है तोहहीद नहीं एक्सप्लेन कर पाते ना जानते है। हमारे हैं हमारे लिए जरूरी है हम वो पहले सीखें आपके सारे फजाइल कोई काम नहीं आएंगे अगर तोहिद में गड़बड़ अल्लाह तला ने नबी वसल्लम के मुताबिक क्या कहा सुरह जुमर की आयत है सराह नंबर उनचालीस आयत नंबर पैसठ लई अशरक था एन अभी अगर आप शिरक करो लयाहबतन नामलुक आपकी सब निकियां बर्बाद हो जाएगी अब अल्लाह के रसूल वसल्लम की निकियां बर्बाद तो आपकी मेरी निकियां क्या में आ रहा है कर रहे हैं फजायल सीख लिये बहुत निकिया कर लिया लेकिन अकीदे में बिगाड़ है शिरक थोड़ा भी है तो क्या हो जाएगा सारी निकियां बर्बाद हमें लिखिया जरूरी है हमारे लिए जरूरी सबसे अहम चीज सबसे पहले सीखना होगा और सबसे अहम चीज अकीदा है तो अकीदे के तल्लु से जद्दोजहद करना स्ट्राइव करना स्ट्रगल करना जरूरी है ऐसे थोड़ी चलने वाला है तो अकीदा सही सीखना और उसके मुताबिक फिर नेक्स्ट टॉपिक लेना मनहज के तालुक से तरीक़ार के तलक़ से मोहम्मद के रसूल हैं उसके मतलब अकीदा अहम तरीन अकीदा और मनहज फिर वहां से आगे बढ़ेंगे फार्मूला ही रॉन्ग है तो हम भी सिंसियर अगर कितने भी हों तो हमारी वो बात थोड़ी पास होने वाली थोड़ी पास होने वाली है तो हम ये देखें ये अहम चीज है अलहम फल मुहिम अब कई लोगों को देखो सबसे पहली चीज वो याद करते हैं तो श्लोकाज याद करना है उनको देखिए मैं मिसाल बता रहा हूं अगर कोई दावत के लिए एक पर्टिकुलर मकाम एक पर्टिकुलर स्टेज है वो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह यूज कर सकते हैं लेकिन इन खैर किताब्ला सबसे बेहतरीन बयान अल्लाह की किताब है अब कई लोग जब दीन का जब जज्बा उनमें जागता है तो सबसे पहली चीज वो याद कर रहे हैं तो श्लोक याद कर रहे हैं ये क्या बात है ये फर्स्ट चीज नहीं है कोई ये नहीं कह रहा है पहले ये चीज सीखो बाद की स्टेज की चीज है ये कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट डिबेटिंग पे उतरते हैं मुनाजरे के टॉपिक पहले लेते हैं और उनसे पूछो तहारत के बारे में क्या है मसायल वजू कैसे टूटता है नहीं पता है नमाज के तालुक से प्रॉब्लम है लेकिन डिबेटिंग के मौजूद उन्हें बहुत बड़े बड़ी बातें मालूम है रावी के हाल के बारे में बात कर लेते हैं लेकिन बुनियादी चीजें भी नहीं पता होती है एक बात है हम सब जायजा लें अपना काफी है सही तरीका भी तो होना चाहिए तो पॉइंट हो अब कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं कि हाँ हासिल करना जरूरी है मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सबका रिविजन हो और मैं समझता हूं आप सब मेरे भाई और मेरी बहने जो इस कोर्स में हाजिर है तो आम आवाम जैसे होते हैं ना वैसे आप उससे ज्यादा हायर लेवल रख रहे हैं ये एक कोर्स है तरबिया प्रोग्राम है और आप सबको मैं उभार रहा हूं कि आप इसकी नोट्स डाउनलोड करिए इनशाला और इसका एग्जाम ऑनलाइन इंशाल्लाह होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे सेंटर की तरफ से आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेगी इंशाल्लाह तो इसके लिए जरूरी है हमारा अकीदा स्ट्रांग होना चाहिए और मैं समझता हूं मेरा थोड़ा ज्यादा हक है इसलिए इजाजत दीजिए मुझे कि मैं आप सबको इनशाला कई रिविजन करा सकता हूं मेरा मकसद है हम सबको याद हो जाए सबसे पहले आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इल्म की अहमियत को मानते हैं नीयत अच्छी कर लेते हैं जिंदगी में गुंजाइश निकाल देते हैं टाइम निकाल लेते हैं जद्दोजहद भी करते हैं सही से कनेक्टेड भी होते हैं और पहुंचाते भी हैं एहतियात के साथ और दर्जा बदर्जा कंटिन्यू भी हो रहे हैं अलहम फल मुहिम के कायदे को भी कर रहे हैं। सातों सही है। लेकिन आठवें में जाके फेल हो जाते हैं क्या है यह आठवां पॉइंट ये पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी के एक स्टेज में चलते हैं चलते हैं, चलते हैं, फिर एक जिंदगी में जाके रुक जाते हैं बस सब आ गया मुझे शैतान कहता है ओ वेरी गुड शाबाश बहुत कर ली अभी तुम्हें तो सब मालूम पड़ गया ये क्या है ना ये डिक्लाइन है ये डिक्लाइन की शुरुआत हुई आदमी का जवाल शुरू हुआ यहां से जब वो कहता है हाँ मुझे तो सब मालूम है आप देखिए बड़े बड़े स्कॉलर्स इंतकाल हो रहा है ना तालब इल्म होकर मर रहे हैं क्यों क्योंकि वह हदीस क्या है याद करिए जो पहले दिन आपने सुनी थी दूसरे दिन हदीस सुनी थी अल्लाह के रसूल सल ने क्या कहा जो इल्म हासिल करने के पर चलेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा जन्नत का रास्ता किसके लिए आसान करेगा चलेगा तो ये बात को पहचानते हुए चलते रहे इल्म हासिल करने के रास्ते पर मरते दम तक बगदादी को जानते हैं आप उन्होंने इतनी बड़ी किताब और कई किताबें लिखी उसमें से सिर्फ एक किताब है तारीख अलबदादी में अट्ठाईस जिल्दों में इंतकाल हुआ तो कैसे मरे आपको पता है? एक किताब उनके सीने पर पढ़ी हुई मिली पढ़ते पढ़ते मर गए पढ़ रहे थे पढ़ते पढ़ते डेथ हो गई तो इल्म बन के मर रहे हैं क्यों आगे उनके अंदर ये आठवां पॉइंट भी था और वो आठवां पॉइंट है तलब उस ज्यादा ज्यादा की तलब ज्यादा की तलब होनी चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए लालच होनी चाहिए अच्छा लालच तो बुरी चीज है ना हमने पहले पॉइंट में देखा ना दो भूखे भेड़ी जितना नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं अगर मिंडियों में छोड़ दिए जाए उससे ज्यादा नुकसान है जो दो चीजें एक शख्स के दीन को पहुंचाती है वो दो चीजें क्या है हिर माली व शरफी ली दीनी एक शख्स के अंदर जो हिर्स होती है लालच होती है मार की और इज्जत की ये दो चीजें उसके दीन को इतना नुकसान पहुंचाती है जितना वो दो भूखे भीड़ी नहीं पहुंचा सकते सही है ना लालच तो बुरी चीज है सवाल पूछ रहा हूं इल्म की लालच होना अच्छी चीज है बुरी चीज है लालची है कोई इल्म के लिए एक हदीस सुनने मिल जाए एक बात सीखने मिल जाए जल्दी जाके बैठ रहा है लाश निकल रहा है दर्द सुन रहा है ऑडियो सुन रहा है ट्रैवलिंग में भी लगाए हुए लोग होते हैं ना जो ट्रैवलिंग के अंदर हेडफोन्स लगे हुए हैं हम लोग हेडफोन्स लगाकर दर्श क्यों नहीं सुन सकते हैं वो लोग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं ट्रैवलिंग के अंदर एक घंटा जाना एक घंटा आना कितने सारे लोगों का ये शेड्यूल है खासतौर से बॉम्बे जैसी सिटीज में तो यहाँ क्या मामला है कि आप दो घंटे डेली दो घंटे का दर्श आपका ऑन हो जाएगा जब वो लोग अपने रेडियो और एफ को सुन सकते हैं और एम वगैरह और गाने बजाने को सुन सकते हैं हम लोग हमारी सही चीज क्यों नहीं सुन सकते हैं लगाओ और लग के सुनो दिन भर में दो घंटे का लेक्चर अगर आपका सुन रहे हैं और गाव अकबर आपका इल्म लीप्स एंड बाउंड से ग्रो होने वाला है बिल्कुल हाई स्पीड में आपका इल्म बढ़ने वाला है इंशाल्लाह तो तलब उस ज्यादा होनी चाहिए और लालची होना इस चीज में इल्म के लिए कोई गलत बात नहीं ज्यादा की तलब होना कोई गलत बात नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए कोई गलत बात नहीं दलील कौन देगा इस बात की दलील कौन देगा आप देंगे गलत दलील सोचो कौन बताएगा इस बात की दलील क्या है कुरान से या सही हदीसों से दलील वाज है अगर आपने सही जवाब दिया होगा तो मेरी तरफ से अपनी पीठ को थपथपा दीजिए शाबाश हदीस कौन से आयत कौन सी है अल्लाह ताला ने कहा ताहा में सुरा नंबर बीस आयत नंबर एक सौ चौदह अल्लाह तला ने क्या कहा वह कुल और कहो रबी जिदनी मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर मेरे इल्म को बढ़ा दे और, और चाहिए सबसे ज्यादा बढ़ा दे तो ये क्या है ये है कोई गलत बात नहीं। बनो लालची हदीस भी मौजूद है अल्लाह के रसूल वसल्लम से एक बार अबूरा एक सवाल पूछते हैं तो नबी वसल्लम कहते हैं कि मुझे पता था हुरैरा सबसे पहले इस हदीस के मुताबिक तुम ही पूछोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर जो हदीस की हिर्स है तो लालच हदीस हदीस की लालच होना कोई गलत बात नहीं है इल्म की लालच होना कोई गलत बात नहीं नियत सही होनी चाहिए नेकियों की लालच होना और निकी चाहिए और निकी चाहिए कोई गलत बात नहीं कौन सी लालच बुरी है वो लालच जो पैसों की लालच हो इज्जत की लालच हो ये चीजों की लालच गलत है उस चीज में लालची नहीं बनना चाहिए हाँ इल्म के लिए लालची बन जाओ हाँ मैं यहां से लालची बनने की तालीम दे रहा हूँ लालची बनो इल्म हासिल करने के लिए ग्रीडी बनो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह डाउनलोड कर रहे हैं मुझे और चाहिए ये मिल जाए मटेरियल अब डाउनलोड करने कुछ लोगों को शौक बहुत होता है सिर्फ डाउनलोड करके जमा करके रखते हैं सब डाउनलोड कर लिया मैंने लेकिन पढ़े कुछ नहीं नहीं जमा करके रखने बहुत अच्छा लगता है कुछ लोग अपने घरों में किताबें बस जमा कर करके रखते हैं लेकिन उनके अंदर वो उतनी तलब नहीं होती कि वो किताबों के अंदर जाके देखें फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है आप नहीं तो आपके बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छी बात है घर में किताबें ले आइए लेकिन कितना अच्छा हो कि वो किताबों के इल्म से हम फायदा भी उठाएं तो तलब ज्यादा ज्यादा की तलब होनी चाहिए अल्लाह से मांगना है ये और इल्म दे और ये दुआ कसरत से पढ़ें एक तौलब इल्म को चाहिए कि ये सारी जो दुआएं हैं ना अल्लाहनी और रबी जदनी और ये जो तमाम इस मुतालिक जो दुआएं हैं ये कसरत से पढ़ा करें तो हमने देखा ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर आठ दो पॉइंट बचे पॉइंट नंबर नौ अब एक शख्स है जो मानता है इल्म हासिल करना बहुत अहम है जालत बुरी चीज है नीयत उसकी अच्छी है सही है जिंदगी में टाइम निकालता है गुंजाइश निकालता है वो जद्दोजहद करता है सही उलमा के पास से सीखता है सही तरह से पहुंचाता है और तदरुज दर्जा बदर्जा आगे बढ़ रहा है अलहम फल मुहिम के कायदे पे अमल कर रहा है उसके अंदर तलब उस ज्यादा भी है लेकिन नवे पॉइंट पे जाके फेल हो जाता है नौवा पॉइंट क्या है यह नौवा पॉइंट ये है कि सब कुछ तुम कर रहे हो अब तुम्हारे अमल का क्या हो रहा है सिर्फ इल्म, इल्म। या अमल का भी कुछ हो रहा है अमल करना कंपलसरी है के दिन पांच सवाल पूछे जाएंगे कौन से सवाल है ये सुनन ती की हदीस है जो कई लफ्जों के साथ में आती है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने हदीस सही सनद से है सही जामे में तहकीक है लातजुल कदम उग्दमा

कयामत के जो पांच सवाल है मालूम होना चाहिए किसे पूछे जाएंगे ये सवाल क्या आपको भी पूछे जाएंगे हाँ आदम की औलाद में सब जो है ना सबको पूछे जाएंगे और आपको पता होगा कि कब्र के तीन सवाल है ना वो थोड़े फेमस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को आमतौर पर याद होते हैं लेकिन कयामत के दिन के पांच सवाल नहीं याद होते हैं तो मैं आपको उभार रहा हूं कि क्यों ना हम सब याद कर लें पहला सवाल अन उम्र जिंदगी कहां गुजारे कहां गुजारे क्या कर रहे थे जिंदगी में अब कोई कहेगा अल्लाह मैं टीवी देख रहा था क्योंकि जिंदगी में फजूल खर्च फजूल चीजें टीवी पर ये चीजें नहीं अलहमदिल्ला अच्छी चीज है लेकिन गंदी बुरी चीजें टीवी टीवी की कई सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी के पर्टिकुलर नंबर ऑफ आर्ट पर्टिकुलर घंटे टीवी के सामने गुजरते हैं कोई कहेगा है, अल्लाह मैं नुक्कड़ पे खड़े हुए गप्पे हाँकते हुए मैंने अपना टाइम निकाल दिया कुछ बहनें कहेंगी कि हम सब ने गिबत करते हुए अपना वक्त गुजार दिया सिर्फ बहनों के लिए नहीं है भाइयों में भी होता है कई बार हम देखते हैं कई सारे लोग जो इस तरह के जवाब देंगे तो पहला सवाल जिंदगी कहां गुजारी क्या कर रहे थे जिंदगी में हमारी जिंदगी की चेकिंग होने वाली वन शबा भी ही फी अबला जवानी कहां गुजारी जवानी में जब खून में गर्मी थी जब जज्बात में हौसलों में बुलंदी थी आजा सब बराबर चल रहे थे तो क्या कर रहे थे तुम डबल जवाब हो गया यार क्योंकि जिंदगी में जवानी तो थी ही लेकिन जवानी का खास अलग सवाल भी है नंबर तीन वमाली ही मीनक सब माल कहां से कमाए वो फीमा अलफा हो कहा खर्च किए और पांचवा सवाल जो हमारे मौजू से रखता है मा अमिला फी मा अलिमा। जो तुम्हारे पास इल्म था उस पर कितना अमल भी किए तुमने जो इल्म था उस पर कितना अमल किए तुमने तो ये पूछा जाएगा और हमें जवाब देना है कि हमने अमल कितना की तो ये है पांच सवाल जो क्यामत के दिन हम सबको पूछे जाएंगे अल्लाह तला के सामने पाओं भी नहीं हिला पाएंगे जब तक ये पांच सवालों के जवाब ना दे दे कि हमारे पास जितना इल्म था उस पर हमने अमल कितना किए अब कुछ लोगों ने आसान जवाब निकाले बोले हाँ इल्म हासिल नहीं करना चाहिए इसलिए इल्म हासिल नहीं करेंगे तो वही होगा कहेंगे काश हम सुन लेते सोच लेते तो यहाँ नहीं आते तो कन्फर्म जानना है यहाँ पे तो सवाल पूछे जा रहे हैं और मेरे भाइयों और बहने एक वो शख्स है जो कहीं दूर दराज रेगिस्तान कहीं ऐसी जगह पे रहता है कि जहां उसको जितना इल्म मिला उसने अमल किया लेकिन एक वैसी जगह पे रहने वाला इंसान जो ऐसी जगह पे रहता है जहां आसानी से इल्म हासिल कर सकता है और वो चुनता है कि नहीं मैं जाहिल रहना चाहता हूं बाई चॉइस एक है मजबूरी से जाहिल उसको अपने इल्म के अल्लाह पूछेगा कि कितना इल्म था कितना अमल किए लेकिन एक वो शख्स है जो चुन रहा है कि मैं जाहिल रहूं तो ये बचने वाला नहीं है ये तो जानने में जाके अफसोस कर रहा है जैसे कि कुरान की आयत मुल्क 67 आयत नंबर 10 में वाजे आया है तो यहाँ पे हमारे लिए है कि मा अमिला मा अलीमा। जितना इल्म था उस पर अमल कितना किया। तो मेरे भाई और बहने अल्लाह चीज का इल्म दे दिया ये तोहफी का एहसान है खैर की निशानी है अब हमारे लिए भी तो जरूरी है ना कि हम अमल करें मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक हदीस सुनाने वाला हूं अभी सही बुखारी की हदीस अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया फयुलका फिनार एक आदमी को कयामत के दिन लाया जाएगा और जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा फतन दली को अखताबह फिनार उसकी आंतड़िया इंटेस्टाइन बाहर निकल आएगी जहन्नम की आग में कमा फैदि भी रहा हूँ फिर वो चक्कर काटने लगेगा जहन्नम की आग में जैसे गधा चक्की के चक्कर काटता है इंटेस्टाइन बाहर निकली हुई आंतड़िया और वो चक्कर काट रहा है हमें अच्छा काम करने बोलते थे तुम तो वो तनहा नमे बुरी चीज से तुम तो रोकते थे अब वो आदमी जहनम की आँख में आतरिया निकली हुए चक्कर काट रहे और यहाँ सब ये लोग जमा हो गए देख रहे हैं उसको और कह रहे हैं तुम तो वही हो ना हमें अच्छा काम करने बोलते थे तुम तुम तो बुरे काम से रोकते थे वो कहेगा आम रुकुम बिलमती मैं अच्छा काम करने कहता था लेकिन खुद नहीं करता था वो अनहर कुमुन करी वह आती ही। और तुम्हें बुरी चीजों से रोकता था लेकिन खुद नहीं रोकता था अब कहाँ है वो जहन्नम की आग में है उसके लिए क्या सजा है डबल सजा है एक तो जहन्नम की आग में निकली है निकली हुई है चक्कर काट रहा है दर्द और परेशानी में है और दूसरी सजा उसके लिए साइकोलॉजिकल है कि ये सब लोग उसके सामने जमा हो गए और ये लोग कह रहे हैं कि क्या तुम कहां से यहां से यहाँ पे आ गए तो ये हो गया पॉइंट नंबर नौ अमल अमल में पीछे नहीं रहना है जो चीज सीखे उस पर अमल करना है एक बहुत अच्छी कहावत है किसी ने कहा कि इल्म अमल के दरवाजे पर दस्तक देता है अगर अमल दरवाजा खुलता है तो इल्म रहता है नहीं तो इल्म चला जाता इल्म की हिफाजत करना इल्म को याद रखने का बेहतरीन तरीका है अमल करना अमल करेंगे तो इल्म भी बाकी रहेगा अमल से दूर रहेंगे चले जाएंगा इल्म हमारा इल्म नहीं बाकी रहने वाला और वो अगर बाकी भी रह गया तो दूसरी नियतों वाला इल्म बन जाएगा वो तो हमारे लिए जरूरी हम अमल करें आइए पॉइंट नंबर दस पे आते हैं अब कोई ऐसा है जो इल्म की अहमियत को मानता है जहां बुरी चीज है नीयत को अच्छी कर चुका है वो जिंदगी में गुंजाइश निकाल चुका है मुजाहिदा स्ट्रगल कर चुका है कर रहा है सही से सही लोगों से इल्म हासिल कर रहा है पहुंचा भी रहा है और सही तरीके से पहुंचा रहा है दर्जा बदर्जा आगे बढ़ रहा है अलहम फल मुहिम के कायदे को फॉलो कर रहा है तो ज्यादा भी है अमल भी कर रहा है पॉइंट नंबर टेन भी होना चाहिए दसवां पॉइंट है कि इतना सब कुछ तुम कर रहे हो अंदर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है अंदर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है कुरान की, है सुरे फातर की। 35, आयत है सुरह फातिर की सुरह पैंतीस आयत नंबर अट्ठाईस अल्लाह ताला ने कहा इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादी उलमा कि यकीनन अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के बंदों में इल्म वाले होते हैं इल्म आता है ना जो सिर्फ अल्लाह को राजी करने की नीयत से हासिल किया गया है उससे अल्लाह का डर भी पैदा होता है और डर अगर नहीं पैदा हुआ तो कुछ तो प्रॉब्लम आ गया एक से नौ तक इल्म से अल्लाह का डर पैदा होता है तो अगर नहीं डर आ रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है फिर नीयत में प्रॉब्लम आ गया कहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ गया तो दिल में डर भी आना चाहिए अल्लाह का तकवा पैदा होना चाहिए अल्लाह का तकवा पर एक दिल में पैदा हो और अल्लाह के रसूल की हदीसम की लमोना मो लह तुम खलील वल बका तुम कसर अगर तुम जानते जो मैं जानता हूँ तो बहुत कम हंसते बहुत ज्यादा रोते तो ये हमने क्या देखा यह है हमारे लिए पॉइंट नंबर दस कि हमारे अंदर वो असर आना चाहिए कि पता चलने से प्रॉब्लम हमारे अंदर वो एहसास पैदा होना चाहिए और असल बात क्या है मेरे भाइयों बहने हमारी जिंदगी सुधरनी चाहिए इम की महक आनी चाहिए इल्म से जन्नत का रास्ता आसान होता है ना तो आसान होना भी तो चाहिए ना कि मैं इम तो हासिल कर रहा हूँ लेकिन जन्नत का रास्ता आसान नहीं होता दिख रहा है शैतान के हमले मुझ पर अभी भी बहुत भारी है तो कहीं तो प्रॉब्लम आ गया तो ये हमारे लिए है जो हमने जो हमने देखा एक इल्म के अंदर आना चाहिए ये दोनों लेक्चर्स जो हमारे हुए ये दोनों जो सीरियल्स के टॉपिक्स थे अब तक जो इल्म की अहमियत और तौलब इम की खूबियां ये आपको आगे के रास्ते के लिए हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं आगे का रास्ता थोड़ा सा और टफ है जिसके अंदर आपको इन टाइम स्पेंड करना होगा आपको आयतें हदीसें याद करनी होगी आप इससे फायदा उठाए इन और अल्लाह के दीन को सही समझें उस पर सही अमल करें उसे दूसरों तक पहुंचाएं तो ये तमाम चीजों के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना होगा मैं आप सबको उभारता हूँ सबसे पहले अपने आप को फिर आप तमाम भाइयों और बहनों को कि हम सब दुनिया में आजमाइश के लिए आए हमारा असल मकाम आखिरत है हमारा असल घर मिलने वाला है ये वक्ती तौर पे हमारा यहाँ का ठिकाना है जन्नत पहुंचना असल कामयाबी है ये सब करने में मकसद क्या होना चाहिए जन्नत पहुंच जाऊं मैं तो कामयाब हुए मैं आप सबको बाहरता हूँ कि ये बातें सुनने से ज्यादा हम अमल करें और आपको उभारता हूँ कि आप इसकी नोट्स हासिल करें उन्हें याद करें उन्हें किसी और को बताएं आपके भी इल्म में इजाफा होगा और इन क़ायदों को जिंदगी में जिंदगी में लाए और आपको इन शिंदगी में इसके फायदे दिखाई देने लगेंगे जिंदगी में एक सुधार पैदा होने लगेगा एक इंसान के अंदर बहुत बड़ा चेंज पैदा होने लगेगा इसीलिए तो अल्लाह ताला ने पहली वही में वो बात कही और मैं यही बात को दोहरा करके खत्म करता हूँ जो पहली वही की बात थी खलक पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे बनाया क्योंकि यकीन इल्म हासिल करने से एक पूरा इंसान बदल सकता है एक पूरा समाज बदल सकता है एक पूरा माश्रा बदल सकता है इसीलिए अल्लाह ताला ने शुरुआत इल्म से की अल्लाह ताला हम सबको इल्म की अहमियत को समझकर استعمال کرنے کی اسے علم اسے حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل بھی کرنے کی توفیق دے امین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء दीन नसीहा न क्योंकि दीन खैर खाही का नाम